हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरुस्केप्स। आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने बाल गोपाल की पोशाक बनाई है बिना सिलाई किए, बिना सुई धागे का यूज़ किए। मैंने इसे स्टिक करके बनाया है। बहुत ही इजी है ये बनाना, आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें इसके लिए चाहिए एक बकरम का पीस। मैंने पुराने बाल गोपाल की पोशाक लेके मेजरमेंट लिया है। मैंने आधा आधा इंच का गैप थोड़ा ज़्यादा देके इसे कट किया है, क्योंकि मैं इसमें बॉर्डर लगाऊंगी इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा इसे काटा है। अब मैं एक फैब्रिक का पीस ले रही हूँ, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, और इसे इसके ऊपर रख के सेम मेजरमेंट में हमें कट करना है। मेजरमेंट इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका पोशाक सुंदर दिखेगा। इसके लिए मैं मार्कर से डॉट्स लगा रही हूँ। अब आप इस मार्जिन के अकॉर्डिंग इसे ऐसे फोल्ड करके कट कर लीजिए। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। इस पूरे प्रोसेस में हम कहीं पे भी कोई भी सिलाई का यूज़ नहीं करेंगे। अब हमें इस फैब्रिक और बकरम के पीस को आपस में स्टिक करना है। मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए, स्टिक हो गया है अच्छे से। अब हमें सेंटर पोर्शन भी कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद मैं नेट का फैब्रिक ले रही हूँ। मैंने इसे भी मेज़र करने के लिए सेम अपना पुराना वाला पोशाक लिया है और इसमें मेज़रमेंट कर लिया है। मैंने आधा आधा इंच ज़्यादा रखा है, क्योंकि हमें प्लेट्स बनानी है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। ऐसे हमें प्लेट्स बनानी है और इसे प्रॉपरली मिडिल पोर्शन में स्टिक करते जाना है। आप इस प्रोसेस में सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिना सुई धागे का पोशाक बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने कहीं पे भी सुई धागे का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है, घेरा बन गया है हमारा। अब हम एक्स्ट्रा जो साइड में है उसे कट कर लेंगे। कि एक्स्ट्रा कट करने के बाद ये कितना सुंदर सा शेप आ गया। अब आपको गोटा लगाना है, मैं गोटा लगा रही हूँ। गोटा लगाने के लिए हमें प्लेट्स को हटा के ऐसे थोड़े थोड़े से प्लेट्स देते हुए गोटे को लगाना है। ये गोटा थोड़ा हार्ड है, इसीलिए आपको अच्छे से प्लेट्स जमा के इसे स्टिक करना होगा। अगेन मैं ग्लू गन लगाते हुए इसे स्टिक कर रही हूँ। आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे गोटे को अच्छे से कवर करते हुए आपको लगाना है। आप कोई भी कलर, शेप, साइज़ का गोटा यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। और पूरे राउंड को आपको ऐसे ही कवर करना है। एंड्स में आपको थोड़ी सी गेप छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पे हमें कट लगाना है। ये देखिए, हमारा पूरा रेडी हो गया है पोशाक। अब हमें यहाँ पे कट लगाना है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर ऐसे ही आर्टिस्टिक वर्क डाले हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोटे का पीस यूज़ किया है। मेरे पास ये पुराना गोटा पड़ा था, तो वो मैंने ले लिया है छोटा छोटा पीस, और उसे ऐसे आपस में क्रॉस करते हुए एक वी शेप का गला तैयार कर लेंगे। अगेन आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ, और ग्लू गन से इसे स्टिक कर दिया मैंने। आप दोनों साइड्स को भी अच्छे से स्टिक कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अपनी सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले डालती हूँ। ये देखिए, कितना प्यारा पोशाक बन के रेडी हो गया। मैं इसमें थोड़ा और डेकोरेशन करना चाहती हूँ। मेरे पास छोटा लेस का पीस बच गया है, तो मैं इसमें से ये कैरी को अलग कर रही हूँ और इसे ब्रोच के जैसे यहाँ पे लगा दूंगी। ये देखिए, कितना प्यारा दिख रहा है ये। आप भी इसे घर पे बना सकते हैं। यकीन भी नहीं होगा किसी को कि आपने इसमें बिना सुई धागा यूज़ किए इतनी सुंदर पोशाक रेडी कर ली है। मार्केट में ये बहुत कॉस्टली मिलती है, लेकिन हमने घर पे कितनी ईजिली इसे बना लिया है कि बाल गोपाल पे ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। तब तक के लिए खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।